मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपका दिल झकझोर उठेगा, शायद आपकी आंखें भी खोल देगी ये खबर। मामला है बिजली विभाग की लापरवाही का। क्या मुंब्रा में एमएसबी लोगों की जान लेना चाहती है? क्या विकास पुरुष की विकास की गंगा बहती मुंब्रा में दिखाई दे रही है? मुंब्रा में एमएसबी की लापरवाही पर कौन बोलेगा? या फिर छोटे छोटे मासूम बच्चे एमएसबी के खुले केबलों का शिकार होते रहेंगे? हम आपको बता दें कि मुंब्रा के रशीद कंपाउंड बॉस्को स्कूल के पास कल रात 10 बजे करीब एमएसबी के लापरवाही के चलते खुले केबल के चपेट में एक 6 साल की मासूम बच्ची आ गई। खुले केबल से करंट लगने के बाद बच्ची जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। बच्ची को करंट लगते ही इलाके में भगदड़ मच गई। एक बेहद ही गरीब परिवार, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला परिवार, अब कालशेखर अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। एक तरफ बच्ची की माँ हादसे के बाद रोती बिलखती हॉस्पिटल में भटक रही है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ कालशेखर हॉस्पिटल में पहले पैसा जमा करें तभी इलाज होगा ऐसा कहा जा रहा है। यानी पहले पैसा जमा कराने के बाद ही इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये लापरवाही एमएसईबी के अधिकारी रात के अंधेरे में केबल को जमीन में खोदकर छिपाने में लगे हैं। किसी को ये पता ना चले कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें रात के अंधेरे में कैसे काम किया जा रहा है। मासूम बच्ची जहां जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, वहीं एमएसबी के अधिकारियों की लापरवाही सामने है। हंसते खेलते हादसे का शिकार हुई मासूम बच्ची के परिजनों की हाल पूछने तक कोई नहीं आया। सुनिए पीड़िता बच्ची की मां ने अपना दर्द किस तरह से बयां किया। तो बस नामे मैं इस पे चाली में रहती हूँ, मैं गरीब हूँ। बच्चे की माँ हो जिसके साथ? हाँ, मैं बच्चों की माँ हूँ, मैं गरीब हूँ, इस पे चाली में रहती हूँ। मैं कमा के अपना खाती हूँ, बच्चे लोग खिलाती हूँ। मेरा आदमी कमाता नहीं, वो पीने खाने वाला आदमी एक इधर भी इधर उधर जाते भटकते रहते। अभी उसका काम जो भी काम है वो भी काम उसका बंद है। कैसा हुआ ये पूरा हादसा? वो कैसा हुआ, रोड पर गई बच्चे खेलने, वो बिजमेंटर बोलते से गई खेलने, और रोड पर तार लंगा था, वो कैसे तार रखा नहीं रखा, वो बच्चे में उस पर चिपक के बच्चे ऊपर से लेके नीचे गिर गया। वो गिरने के बाद बच्चे को करंट लगा, बच्चे बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद बच्चे को क्या हुआ, वो पुलिस वाला आया, वो भी मतलब वो सब पता लिया। अब वो जितना बिल भरेगा, अभी तक तो वो आया नहीं हॉस्पिटल में। अभी वो क्या देखने के लिए आया नहीं, कोई भी नहीं आ रहा, अभी कोई भी नहीं आया देखने के लिए। मैं अकेला हूँ, उसको आना चाहिए कि जन वहाँ रहना चाहिए कि आए नहीं, दावा का नहीं है क्या है। मैं गरीब आदमी खाऊंगी कि बच्चे को दावा में? उसको मैं बोली पुलिस वाले को क्या है नहीं, बोलते पुलिस वाले मेरे क्या धमकी दे रहे, एक खर्चा उठाएगा उसको अंदर डालेंगे ना तो हॉस्पिटल खर्चा नहीं भरेंगे, तो मैं गरीब आदमी कैसे करूंगी? पुलिस वाले ने क्या बोला? बोलते वो देख ही खर्चा उठाएंगे, अंदर डालेंगे तो हॉस्पिटल खर्चा नहीं भरेंगे, और वो अंदर नहीं रहेंगे ना तो हॉस्पिटल खर्चा भरेंगे, तो मैं गरीब आदमी कहाँ से भरूंगी? पुलिस वाले बोल रहे हैं। हाँ, ये बात पुलिस वाले बोल रहे हैं। मैं बिलाल हॉस्पिटल में काम करती हूँ, बच्चे इतना छोटा बच्चे को छोड़ के मैं काम पर जाती हूँ, अब क्या करूँ? वो आया नहीं अभी तक। हस्बैंड आपके कहाँ है? वो घर पर गया खाना दे, अभी बच्चे के पास है, ऊपर है। क्या तो अभी क्या कैसी हालत है? अभी उसकी हालत अभी कुछ बता ही नहीं डॉक्टर, अभी बेहोश है। जो हॉस्पिटल वाले हैं बोलते पहले पैसा भरो तब दावा दूंगी, नहीं पैसा भरेंगे तो दावा नहीं दूंगी। अब अभी जब जिस आदमी जो आया था ना वो दोबारा आया नहीं रूम में, हॉस्पिटल में अकेला क्या करूँ, बच्चे के लेके यहाँ बैठी हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है, सब छोटे छोटे, सबको छोड़ के मैं काम पर जाती हूँ। आदमी कमाते ना, अभी पीने खाने वाला आदमी उधर 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 भटक रहे, अभी रमजान का दिन भी काम भी था। कौन से चाल में रहते थे? SP चाल में। आपने सुना, पीड़ित ने बताया कि इस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, इन्हें धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस केस करेंगे तो
कुछ नहीं मिलेगा। आखिर एक मासूम की जान की कीमत लगाई जा रही है। जिस जगह बच्ची को खेलते हुए करंट लगा है, हम आपको दिखाते हैं रात 10 बजे के करीब मिराज मंजिल नामक इमारत से लगकर रोड पर केबल गया है। इसी जगह पर मासूम बच्ची खेल रही थी और खेलते हुए बच्ची का पैर अचानक खुले केबल पर पड़ गया और बच्ची को करंट लग गया। बच्ची को कालशेखर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां आईसीयू में बच्ची को रखा गया है, जहां जिंदगी और मौत से ये मासूम बच्ची जंग लड़ रही है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना से काफ़ी गुस्सा है। लोग इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं और दोषियों को सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। और आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में आपको हर गली में लगभग इसी तरह के केबल वायर खुले मिलेंगे, जो हादसों का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये MSB के अधिकारियों की लापरवाही नहीं है तो और क्या है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।